नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शक्ति जिले से इस वक्त की बड़ी खबर, नौकरी लगने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी पूर्व भीम आर्मी शक्ति एवं वर्तमान छैगा उपाध्यक्ष गिरफ्तार कर जेल दाखिल। घटना का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी नरेश कुमार दिव्य, पिता चेतराम दिव्य, उम्र 53 वर्ष, शाकिन दर्राभाटा थाना भारद्वार जिला शक्ति ने दिनांक 18/7/2023 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी राजेश सूर्यवंशी निवासी भारद्वार के द्वारा में भीम आर्मी जिला शक्ति का उपाध्यक्ष हूँ, मेरे ऊपर तक पहुँचे कहकर सन 2021 माह में नवंबर में प्रार्थी का लड़का कृष्ण कुमार दिव्य को भीम आर्मी से जोड़कर झांसा देकर वन विभाग में नौकरी लगने के नाम पर 4,50,000 रुपये ले लिए और नौकरी नहीं लगाई। रकम वापस मांगने पर अभी मैं आर्मी छक का उपाध्यक्ष हूँ, मेरा क्या कर लोगे, मैं पैसा वापस नहीं करूँगा, तुम लोग जो करना है कर लो, बोलकर धमकी दे रहा था। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी राजेश सूर्यवंशी के विरोध धारा 420 बदवी के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी राजेश सूर्यवंशी को आज दिनांक 18/7/2023 को विधिवत गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल में दाखिल किया गया है। उक्त आरोपी द्वारा और अन्य लोगों से अपने पद का हवाला देते हुए नौकरी लगने के लिए पैसे लिए हैं, ऐसी जानकारी मिली है। आज दिनांक 18/7/23 को प्रार्थी नरेश कुमार दिव्य दर्राभाटा निवासी है, इन्होंने थाना में आकर एक आवेदन दिया कि राजेश सूर्यवंशी निवासी भारद्वार जो कि भीम आर्मी का जिन अभी छत्तीसगढ़ उपाध्यक्ष बोलता है उसके द्वारा जब वो जिला उपाध्यक्ष शक्ति था 2021 में तो उसके लड़के कृष्ण कुमार दिव्य को भीम आर्मी जोड़ा गया था और उसे ये विश्वास जाहिर करके मेरा ऊपर अधिकारियों से मंत्रियों से बहुत बहुत पहुँच है करके फॉरेस्ट गार्ड के नौकरी लगाने के नाम पर 4.5 लाख रुपये ले लिया है। प्रार्थी के आवेदन पर राजेश सूर्यवंशी के विरुद्ध में धारा 426 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। आज आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर जेल में दाखिल किया गया है। ऐसा बात भी प्रकाश में आया है कि आरोपी के द्वारा अपने भीम आर्मी के अध्यक्ष पद का हवाला देते हुए झांसा देकर बहुत सारे लोगों से ठगी की गई है, उस संबंध में पृथक से भी जांच कर कार्रवाई की जाएगी, आवेदन आने पर उसके खिलाफ पृथक से मुकदमा दर्ज किया जाएगा।